नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था स्केल्स एंड डाइमेंशंस के थ्योरी पार्ट, एंड अब देखेंगे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स मेजर करने के लिए जैसे घड़ी हो गई, उसमें कौन सा स्केल यूज़ किया जाता है? उस स्केल का नाम है रेडियस स्केल। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से लेंथ की साइज अगर छोटी होगी, ड्राइंग लेंथ अगर छोटी होगी, तो उसमें कौन सा स्केल रहता है? वो रहता है रेडियस स्केल। फॉर एग्जांपल 1:20 या 1:10, तो ये रेडियस स्केल की डायमेंशन रहती है। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, आरएफ क्या रहता है स्केल का? रेशियो ऑफ लेंथ टू द ऑब्जेक्ट अपॉन ओरिजिनल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये रहता है आरएफ। ठीक है, आरएफ की यूनिट क्या रहती है? तो इसकी कोई यूनिट रहती नहीं है, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फुल फॉर्म क्या रहता है आरएफ का? तो आरएफ का फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायगोनल स्केल थ्री कंसेक्यूटिव यूनिट्स को मेजर करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जो वर्नियर स्केल होता है वो टू कंसेक्यूटिव यूनिट्स को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्केल आपको यूनिफॉर्म डिवाइडिंग लाइंस प्रोवाइड करता है? उसका नाम है प्लेन स्केल। एग्जाम्पल नटराज का स्केल जो 15 सेंटीमीटर का आता है, जनरली यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अल्जेब्रिक डिफरेंस रहता है एक्चुअल साइज और बेसिक साइज में या उसकी करेस्पॉन्डिंग साइज में, उस डेविएशन को हम क्या बोलते हैं? उसका नाम है फंडामेंटल डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितने टाइप के डायमेंशंस रहते हैं? तो ये तीन टाइप के डायमेंशंस रहते हैं। पहला डायमेंशन रहता है फंक्शनल डायमेंशन, सेकेंड रहता है नॉन फंक्शनल डायरेक्शन, एंड थर्ड डायमेंशन इज ऑक्सिलरी डायमेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग बनाते समय एरो का साइज क्या होना चाहिए? 3:1 के रेशो में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से दो सिस्टम है जो डायमेंशन प्लेस करते समय ज़रूरी होते हैं? सबसे पहला है यूनि डायरेक्शनल एंड अलाइंड सिस्टम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, गुड बाय।